साथियों नमस्कार, मैं एसएन सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम रीजनिंग की दूसरी क्लास में आपके सामने उपस्थित हैं और यह है नंबर सीरीज़ के साथ यानी संख्या श्रेणी के साथ। अब आपको पता है कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न जरूर होते हैं। ये बात अलग है कि इसकी जितनी भी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप इसमें महारथी होते जाएंगे। लेकिन ये भी सच है कि हम आज आपको जितनी भी तरह की नंबर सीरीज बन सकती हैं उन सबसे आपको परिचित कराएंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि पहले बात करते हैं कि आपको पता है कि नंबर सीरीज़ जो है संख्याओं के बढ़ते या घटते क्रम पे आधारित होती है। संख्याओं को उनके बढ़ते क्रम पे लिखा जाता है या उनके घटते क्रम पे लिखा जाता है, तो ये उनकी नंबर सीरीज़ हो गई। अब ये क्या है कि एक तो पहला जो कैटेगरी है वो है समान अंतर की श्रेणी। समान अंतर की श्रेणी, तो जैसे हमने लिख दिया है 31, 50, 69, 88 और 107, यानी आप कह सकते हैं 31, 50, 69, 88, 107, 107 एंड नेक्स्ट। तो अब क्या है, अगर इसके बीच में अंतर देखें तो कितने का अंतर आता है, 19 का, डिफरेंस 19 का आता है। फिर इससे इसमें डिफरेंस देखेंगे कितने का आएगा, 19 का। इससे इसमें देखेंगे डिफरेंस आएगा 19 का। इससे इसमें डिफरेंस देखेंगे आएगा अंतर 19 का, डिफरेंस होगा 19 का। मैथ है, जितना ज़्यादा आप जो है ओरल करेंगे उतने ही फायदे में रहेंगे। तो कोशिश कीजिए कि आपको पता है कि माइनस ना करना पड़े उसमें, कि 50 में से आप 31 घटा रहे हैं। तो अगर ऐसी स्थिति है तब तो थोड़ी सी बुरी कंडीशन, उससे अपने आप को आगे बढ़ाइए। पता है 31 और 19 जोड़ने पर 50 हो जाता है, 50 और 19 जोड़ने पे 69 हो जाता है। तो सब में 19 प्लस करने पे है, तो आप 107 में 19 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1907 कितना, 26। तो ये हो जाएगा 126। ये हो गया आपका आंसर कि ये क्या आएगा, 126। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए। तो आप ये कहा 8, 11, 14, 17, 20, उसके बाद नेक्स्ट पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, 8 से 11 का डिफरेंस देखेंगे आएगा कितने का, 3 का। 11 से 14 में आएगा 3 का, 14 से 17 में आएगा 3 का, 17 से 20 का 3 का। तो अगला क्या होगा, 3 का डिफरेंस होगा क्या हो जाएगा, 23। ठीक है, बहुत आसान था कि ये क्या हो गया, 3 का डिफरेंस आ रहा है। तो अगला जो है हम नंबर कर लेते हैं। ये तो जैसे बढ़ते क्रम में था, अभी क्या हो सकता है कि घटते क्रम में आपको संख्याएं मिल जाएं। जैसे ये है 100 और 88, फिर 76, फिर 64 और देन 52 और उसके बाद नेक्स्ट नंबर। अगर आप देखें तो 100 में से 88 को माइनस करेंगे, 100 में से 88 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 12, 88, 2, 90, 10, 100। और यहाँ से इसमें फिर माइनस करेंगे तो आप 8 में से 6 गए 2 और 8 में 7 गए 1, 12। ये आप देखेंगे अंतर डिफरेंस 12 का आएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी 12 माइनस का दीजिए क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो अगला नंबर क्या हो जाएगा, 40 आ जाएगा। 52 में 12 माइनस करेंगे 40 आ गया। तो पता हो गया कि 12 का डिफरेंस आ रहा है, माइनस माइनस कम होता जा रहा है। तो हम क्या करें, लास्ट में 52 में 12 माइनस कर दिया, क्या हो गया, 40। बहुत आसान है, मैथ्स के लिए है कि जितना ज़्यादा आप इसके साथ फाइट करोगे, जितना ज़्यादा लड़ोगे उतना ही आपको आती जाएगी। जितना इससे आप दूर भागोगे ये भी आपसे उतना ही दूर भागेगी। तो ज़रूरत है इसके पास आने की, इसको समझने की। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये है कि 18 का और 4 का 14 का डिफरेंस आएगा 4, 4 कम हुआ माइनस 4, यहाँ से फिर 4 कम हुआ माइनस 10 हो गया, फिर 4 कम हुआ माइनस और सॉरी 6 हो गया, 6 में फिर 4 कम होगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आपको पता है कि 4 का डिफरेंस आ रहा है, 4 कम होता जा रहा है, तो हमने कर दिया। ठीक है, ये तो समान अंतर की सीरीज़ हो गई कि समान अंतर में संख्याएं बढ़ेंगी या समान अंतर में संख्याएं घटेंगी। तो जिस अंतर पे बढ़ रही है आप अगला नंबर जोड़ दीजिए, अगर घट रही तो अगला नंबर घटा दीजिए। ठीक है, तो ये आपके ये पहला चार समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, असमान अंतर की सीरीज़। अब असमान अंतर की सीरीज़ देखिए, ये क्या है, 2 है, ये 7 है, 14 है, 23 है, 34 है और 47 है, अगला नंबर पूछ रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे 5 का डिफरेंस आया, यहाँ पे 7 का, यहाँ पे 9 का और यहाँ पे 11 का, यहाँ पे 13 का। आप देख रहे हैं ना, डिफरेंस बढ़ता जा रहा है।
जितना भी क्या है विषम संख्या है, 5, 2, 7, 2, 9, 2, 11, 2, 13 ना, आप ऐसे भी देख सकते हैं, दो बढ़ा, दो बढ़ रहा है, दो बढ़ रहा है, दो बढ़ेगा तो क्या होगा 15, तो 5 जोड़ने पे 7 आ रहा है, 7 जोड़ने पे 14, 9 जोड़ने में 23, 11 जोड़ने पे 34, 13 जोड़े पे 47, 15 जोड़ दीजिए आप, 7 और 5, 12, 1 और 4, 1, 5, 1, 6, 62, यानी 15 प्लस कर दिया 47 क्या आ गया 62, तो आपको पता होगा कि अगला नंबर क्या हो जाएगा 62। ये बहुत ही आसान है, आपने क्या देखा कि कितने का डिफरेंस आ रहा है, हम डिफरेंस निकालते जाएंगे, जितना भी नंबर सीरीज होगा, जितना भी मामला साल्व होगा, किससे आएगा, डिफरेंस से ही आएगा, डिफरेंस से ही पकड़ पाएंगे, तो डिफरेंस आपको निकालना है, और आपको पता है कि प्लस माइनस जो भी करना है वो ओवरऑल करते जाना है, ठीक है। अगला सवाल बढ़ते हैं, ये क्या है, 5 है, 8 है, 12 है और 17 है और 23 है, उसके बाद अगला नंबर आप देखिए ध्यान से, तो डिफरेंस कितना का है, यहाँ पे 3 का है, यहाँ पे 4 का है, यहाँ पे 5 का है, यहाँ पे कितने का है, 6 का है ना, 3, 4, 5, 6 बढ़ता जा रहा है, तो अगला कितना होगा 7 का प्लस 7 कितना हो जाएगा 23 में 7 प्लस करेंगे कितना आएगा 30 आ जाएगा, तो अगला सवाल अगला क्या हो गया 30, ये समझ में आ गया होगा आपके। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, अगला क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पे 35 में 1 माइनस होगा तो 34 हो गया, 34 में 2 माइनस हो गया तो क्या हो गया 32, 32 में 3 माइनस हुआ 23 और 29, यहाँ पे 4 माइनस हुआ 25, तो यहाँ पे 1 माइनस हुआ, फिर 2 माइनस हुआ, फिर 3 माइनस हुआ, 4 माइनस हुआ, तब क्या माइनस होगा 5, क्या माइनस होगा 5, तो 25 में 5 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है, आपके ये समझ में आ गया होगा। तो आपने देखा क्या, एक तो समानांतर की सीरीज देखी, जब एक निश्चित संख्या क्या है बढ़ रही है, निश्चित संख्या घट रही है, या तो देखिए असमानांतर की कि संख्याएं क्या हैं क्रमानुसार बढ़ती हैं या फिर घटती हैं, तो आप ये दोनों तरह से, तो ये मैक्सिमम जो 50% सवाल आते हैं सामान्य परीक्षाओं में इसी में से आ जाते हैं, आपको कोई समस्या नहीं होगी। बढ़ते हैं अभाज्य संख्याओं की श्रेणी में, तो अभाज्य संख्याएं क्या हैं, तो अगर आपको अभाज्य संख्या नहीं पता है तो पहले आपको अभाज्य संख्या जाननी होगी कि अभाज्य संख्या क्या है, वो संख्या एक से बड़ी वो सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी भी संख्या से ना कटे, फिर से सुन लीजिए, एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी भी संख्या से ना कटे, उन्हें हम क्या कहते हैं अभाज्य संख्या कहते हैं, तो एक से बड़ी वो सभी संख्या जो किसी संख्या से नहीं कटता एक और स्वयं के अतिरिक्त, वो है 2, वो है 3, वो है 5, वो है 7, वो है 11, वो है 13, वो है 17, वो है 19, वो है 23, वो है 29, वो है 31, वो है 37, ठीक है, और उसके बाद वो है 41, वो है 43, वो है 47, वो है कितना होगा वो है 53, ऐसे बढ़ते जाइए, तो ये सभी क्या है अभाज्य संख्याएं हैं। हमने कहा एक से बड़ी वो सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी भी संख्या से ना कटे उसे हम क्या कहते हैं अभाज्य संख्या। तो आपको पता होना चाहिए सम संख्या, सम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से कटती है, तो क्या है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, ऐसे आप बढ़ते जाइए, तो वो क्या होगा 2 से कटने वाली संख्याएं क्या कहलाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं, और जो क्या है 2 से नहीं कटती हैं वो क्या है विषम कहलाती हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 33, ये सब क्या है विषम संख्याएं हैं, क्योंकि ये क्या है 2 से नहीं कटती। अब इसके अलावा क्या अभाज्य संख्या क्या है कि एक से बड़ी वो सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी भी दूसरी संख्या से ना कटे उसे हम क्या कहेंगे अभाज्य संख्या, यानी अंग्रेजी में इसे प्राइम नंबर कहते हैं, क्या कहते हैं प्राइम नंबर। तो ये आपके ये समझ में आया होगा प्राइम नंबर, और जो हमने बताया कि 2 से कट जाए वो इवन और 2 से ना कटे वो ऑड, ठीक है। बढ़ते हैं अभाज्य संख्याओं की श्रेणी, तो आप ऐसे देखिए अभाज्य संख्याएं क्या हैं, 5, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, अगली अभाज्य संख्या क्या होगी 20
नाइन क्या होगी 29। आपको पता हो गया कि यह अभाज्य संख्या की है श्रेणी। अभाज्य संख्या कैसे पता होगा कि आपको पता है कि अभाज्य संख्या ये है, 100 तक के पहले वाली अभाज्य संख्या रट डालिए, आपको याद रहेगा हमेशा, क्योंकि जब भी मैथ या रीजनिंग आप चाहते हैं कि आपका मैक्सिमम नंबर आए तो आपको कुछ चीज़ें रट लेनी होती है, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या ना, इसके अलावा क्या, दो का वर्ग, दो से पचास तक की संख्याओं का वर्ग, एक से तीस तक की संख्याओं का घन, आपको वर्ग घन ये सब याद होने चाहिए। ठीक है, तो आपको ये पता हो गया कि अभाज्य संख्या की सीरीज है, 5 है 7 है 11 है 13 है 17 है 19 है 23 है, सब अभाज्य संख्या है। तो अगली अभाज्य संख्या क्या होगी, विक्रम से है, मिलाइए ना, 5 7 11 13 17 19 23, उसके बाद कितना 29, ठीक है आपका हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्या है 16 16 18 21 26 33, आप देख रहे हैं ना, तो ये क्या है, इसमें तो ऐसा अभाज्य कुछ नहीं दिख रहा है, तो इसमें अंतर देखेंगे, 16 में 18 का डिफरेंस 2 और 18 21 का डिफरेंस 3, 21 और 26 का डिफरेंस 5 और 26 और इसका डिफरेंस 33 का 7, आप देख रहे हैं ना, सब अभाज्य संख्या बढ़ रहा है, क्या है अभाज्य संख्या बढ़ रहा है, 2 के बाद 3 ये अभाज्य संख्या, पे 5 अभाज्य संख्या, पे 7 अभाज्य संख्या। तो अगली अभाज्य संख्या क्या होगी, 7 के बाद अगली अभाज्य संख्या क्या होती है 11, तो अगला संख्या क्या होगा 11 प्लस करने पर आएगा, तो प्लस कर दीजिए 4 और 4, तो अगली अभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी 44। आपको याद रखना है कि यह अभाज्य संख्या है, ठीक है, क्या है अभाज्य संख्या है, याद रहेगा ना, आप इसके क्रम में नहीं जाइए कि 2 और 1 3 आ रहा है, 3 2 5 2 7, तो डिफरेंस होता तो बराबर सब में होता है, इसमें भी डिफरेंस होता 2 का, लेकिन डिफरेंस यहाँ पे 1 है, मतलब किस पे जा रहा है, अभाज्य संख्या प्लस करने पे जा रहा है, तो हम अगली अभाज्य संख्या क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो ये समझ में आ गया कि संख्या क्या हो जाएगी 44 हो जाएगी। बढ़ते हैं अगली संख्या की तरफ, वर्ग श्रेणी पे। वर्ग श्रेणी क्या है, वर्ग श्रेणी संख्या आपको सभी संख्याएं का जो है मैक्सिमम संख्याओं का वर्ग पता होना चाहिए, कैसे, 1 का वर्ग 1 2 का वर्ग 4 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, नहीं आप इसको ऐसे भी सक सकते हैं, अगर आपको ये हिंदी वाली गिनती नहीं आती तो आप ऐसे कह सकते हैं कि 1 का स्क्वायर 2 2 का स्क्वायर सॉरी 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, ऐसे 7 का स्क्वायर 49 8 का स्क्वायर 64 9 का स्क्वायर 81 10 का स्क्वायर 100 11 का स्वायर 121 12 का स्क्वायर 144 13 का स्क्वायर 169 15 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर 196 15 का स्क्वायर 225 16 का स्क्वायर 256 ना, 17 का स्क्वायर 289 18 का स्क्वायर 324 19 का स्क्वायर 19 का स्क्वायर 361 220 का स्क्वायर 421 इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। तो आप ये देखिए ये क्या है, वर्ग सीरीज है, 1 का स्क्वायर 1 4 का 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 5 का स्क्वायर 25 6 का स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा 36, तो आपको पता है ये स्क्वायर है, आपने कर लिया। आगे देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ भी स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, तो 2 4 और उसके बाद 6 8, अगला क्या होगा 10 का स्क्वायर क्या 100, बड़ा आराम है, आराम से कर लिए, ये जो इवन नंबर है उनका स्क्वायर है ये सब, ठीक है। आगे देखिए, ये 1 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, तो अगला स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81, बड़े आराम से कर लिए, क्योंकि ये जितने भी ऑड नंबर होते हैं उनका स्क्वायर है, 1 का 3 का 5 का 7 का और 9 का। आगे देखिए, आप ये देखिए, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, याद रखिएगा 2 3 5, ये 7 का स्क्वायर, फिर 11 का स्क्वायर है, तो 2 3 5 7 11 कोई क्रम नहीं है, तो आप ध्यान से देखें तो 2 3 5 7 11 ये सभी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर्स हैं, क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, तो ये प्राइम नंबर्स हैं, तो अगला प्राइम नंबर क्या होगा
तो ये अगला 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। आपको पता होना चाहिए कि 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। आप आसानी से कर लेंगे 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर और ये 13 का स्क्वायर। ठीक है, हो गया। इसी तरह जैसे स्क्वायर सीरीज होती है, वर्ग श्रेणी होती है, इसी तरह से क्यूब सीरीज भी होती है। क्यूब सीरीज होती है तो क्यूब सीरीज में देखिए 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है मतलब 2 का 3 बाय मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 2 जा 8 और 3 का क्यूब होगा 3 3 जा 9 3 जा 27 और 4 का क्यूब हो जाएगा 64, 5 का क्यूब हो जाएगा 125, 6 का क्यूब हो जाएगा 216 ना। इस तरह से आप बढ़ते जाएंगे तो आपको मिलता जाएगा क्यूब सबका। तो ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, तो 5 का क्यूब, 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 5 का क्यूब होगा तो 125। ठीक है, और जितना आपको ये चीज़ें याद रहेंगी आपके लिए उतना ही आसान होगा। तो अभी हमने बताया कि समान अंतर की सीरीज हो सकती है प्लस में भी या माइनस में, असमान अंतर की भी सीरीज हो सकती है प्लस में भी माइनस में भी, यानी बढ़ते क्रम में भी और घटते क्रम में भी। अभाज्य संख्याओं की सीरीज हो सकती है और स्क्वायर की भी सीरीज हो सकती है, स्क्वायर में भी इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, प्राइम भी हो सकता है। ठीक है, और क्यूब सीरीज भी हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, कुछ विविध अलग सीरीज होती हैं वो देख लेते हैं कि कैसे होती हैं ना। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम ज़्यादा सवाल नहीं ले पाए हैं, एक एक सवाल ले आए हैं, लेकिन इसके बाद भी हम और सवालों के साथ आपके सामने आएंगे। लेकिन आप फिलहाल आज हम आपको ये समझा रहे हैं कि कितने टाइप की सीरीज हो सकती है। तो ये हम अगला देखते हैं। तो ये यहाँ पे देखिए, तो 2 और के बाद 5 आया है ना, तो और 5 के बाद 11 आया, 11 के बाद 23, 23 के बाद 47। अगर आप ध्यान से देखें तो 2 2 जा 4 प्लस 1, 5 2 जा 10 प्लस 1, 11 2 जा 22 प्लस 1, 23 2 जा 46 प्लस 1, यानी ये मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 है, यानी 2 2 जा 4 और 1 5, 5 2 जा 10 और 1 11, 11 2 जा 22 22 और 1 23, और 23 2 जा कितना 46, 46 और 1 कितना हो जाएगा 47, और 47 2 जा कितना हो जाएगा 4 2 8, 7 2 14 कितना हो जाएगा 94 94 और 1 95, मल्टीप्लाई 2 प्लस 1। ठीक है, ये आया समझ में। तो क्या है, 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस 1 हो जा रहा है, एक ये भी है। और आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उसमें इतने ही ज़्यादा अच्छे ढंग से सवालों को, क्वेश्चंस को करने लगेंगे। बढ़ते हैं, एक मिक्स सीरीज भी होती है ना, वो कैसे है, 11 है, 15 है, 22 है, 30 है, 33 है, 45 है। ठीक है, अब ये भी देखिए मिक्स सीरीज, अब ध्यान से देखें अगर आप कि इसमें दो तरह की जो है सीरीज बनती है, एक इवेन नंबर पे, एक ऑड नंबर पे। कैसे, एक पहले ऑड नंबर पे देखते हैं, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 11 4 जा 44, 11 का टेबल चल रहा है, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 11 4 जा 44, इधर 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60। ठीक है, इस तरह से दो सीरीज बनती है, ऑड पे और इवन पे। जैसे 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 11 4 जा 44, और इधर से ऊपर से ये इवन नंबर पे 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, इस टाइप के। तो कुल मिला के कितने तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं, आज हमने ये देखने की कोशिश की कि सीरीज में कितने तरह के प्रश्न हो सकते हैं। फिलहाल मेरा ये, मुझे ये उम्मीद है कि अब आप क्वेश्चंस देखेंगे तो आप ज़रूर देखेंगे कहीं जो भी ये क्रम है ये क्रम का सवाल तो नहीं है। कुल मिलाकर के आप उसे ऐसे नहीं छोड़ेंगे बल्कि आप उसे करने का प्रयत्न करते हैं। और जितनी भी किताबें आपको मिले, जितनी भी आपको सॉल्व पेपर मिले, आप सबसे नंबर सीरीज करने का प्रयत्न कीजिए और एक दिन आप इसको बहुत अच्छे ढंग से करने लगेंगे। जितने करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, और आप अगर अच्छे ढंग से इसको करते रहे तो निश्चित रूप से आप जो है आप इसमें बहुत बेहतर करने लगेंगे और हम आपके साथ बने रहेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप किस तरह की जो हम क्वेश्चन सीरीज लेके आएँ तो आप आसानी से कर पाएँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।